में हम जिना बिगुनी में घूम रहे हैं और यहाँ पे जी खजलगवार हो रहे हैं, तो हमें समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे कुर्सी वाली दुकान ही कोई नहीं नजर आ रही, तो अभी देखते हैं कहाँ से मिलती है दुकान। अभी मैं इनको लेके आया हूँ और ये सामने जो यह भी कुर्सी वाली दुकान है उधर भी पीछे निकल गई और वो पीछे एक दुकान है तो वहां पे लेके चलते हैं। तो मुनीब जो है वो कह रहे हैं कि भाई शका हो रहा है, तभी इशारा खुल गया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल, ठीक ठाक, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज अभी मैं उठ रही हूँ, तो अभी नाश्ता करते हैं, तो फिर जो प्रोग्राम होगा तो वो करेंगे। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आज डे में जो भी होगा वो रिकॉर्ड करूंगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को पहले अभी सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि अभी आपने क्लिक कर दिया है तो आपने मेरे ख्याल से अगर आप पूरी वीडियो ना भी देखे तो ये तो आपने दे लिया होगा, तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें। अभी मैं किचन में आया तो थोड़ी सी कॉफी बना के पी लेते हैं। वैसे सुबह के बाद जो नाश्ता है वो तो मैं कम ही करता हूँ, करता ही नहीं हूँ, जब से रमजान गुजरा उसके बाद से नाश्ता तो क्या ही नहीं है, चाय पीता हूँ वो भी ठंडी, तो अभी कॉफी पीने लगा हूँ। तो कॉफी पी के दोपहर तक जो है वो गुजारा करेंगे, तो इंशाल्लाह फिर दोपहर का जो है खाना वो खाएंगे। अभी जो है मैं कॉफी है वो बना लूँ, जो मेरी पुरानी कॉफी थी वो खत्म हो गई थी, तो अभी मैं नया डब्बा जो है फ्रेश डब्बा वो लेके आया कॉफी का, कॉफी जो है बना लेते हैं। वैसे काफी दिनों के बाद जो मैंने काफी दोबारा स्टार्ट कर दी है, तो काफी मैंने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि एक्सरसाइज जो है वो मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, तो इसलिए मैंने कहा मोटा ना हो जाऊं, तो मैंने स्टार्ट किया ब्लैक कॉफी। दूध नहीं मैं डालता ना चीनी डालता हूँ, सिर्फ ब्लैक कॉफी है वो बना के वो पीता हूँ, कड़वी कड़वी थी, तो काफी ज्यादा मजा आता है पीने का और थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश हो जाता है। और वैसे भी जो होती है हेल्थ के लिए अच्छी होती है, रोजाना के एक कप हो या दो कप हो उससे ज्यादा ना हो तो ये काफी ज्यादा अच्छे हैं, माँ के लिए भी अच्छे हैं, मैदे के लिए भी अच्छे हैं और हार्ट के लिए भी अच्छे हैं। तो इसलिए जो मेरी कॉफी है वो उबलने वाली है तकरीबन, तो इसे उबलने देते हैं और उतार लेते हैं। तो आग जो है मैं तेज कर देता हूँ, आग वो भी तेज उबल गई है कॉफी और अभी इसे डाल लेते हैं अपने कप में। चमची गर्म है, चटनी गर्म है, चमची गर्म है और इसे किस चीज से उठाऊं, कपड़ा पड़ा है यहाँ पे गंदा सा कपड़ा, इसे उठाते हैं चमची को, चमची आ जा मेरे हत्ते, आ जा आ जा आ जा आ जा आ गई हत्ते, इसे देखते हैं और इसे डाल देते हैं अपने कप में कॉफी को। चूजों के लिए बुरबरा आटा है वो बना के लेके आया हूँ, तो अभी उन्हें ये डाल लेते हैं। कल मैंने जो है फासा डाला था, जो गला सड़ा फासा होता है ना वो डाला था, मैंने कहा खा लेंगे, मुझे लग रहा है कि कल इन्होंने शौक के साथ फासा नहीं खाया, तो इसलिए आज मैं ये आटा बुरबरा करके इनके लिए लेके आ गया ताकि ये खा ले अगर इन्हें भूख लगी हो तो। वैसे देखते हैं अभी फासा इन्होंने खाया कि नहीं खाया, तो ये चादर लगा दी है फर्स्ट क्लास जो है वो ठंडा ठंडा माहौल, ये अंदर फिर रहे हैं और जी इन्होंने ये फालसा था वो बिल्कुल भी नहीं खाया, तो ये मैं जरा ना यहाँ से निकाल दूँ, क्या हाल हुआ पड़ा है प्लेट का, इसमें डालूंगा मैं आटा, फालसा जो था बिल्कुल भी नहीं खाया इन्होंने। चलें जी छुट्टी करो जी, इसमें डाल लेते हैं आटा, लो जी ये खाएं जी आप लोग, अभी देख लेते हैं ये खाते कि नहीं खाते, पसंद नहीं आया, समझ नहीं आई क्या चीज़ है, चेक तो करो यार, चेक करो, ठीक है अभी चेक करेंगे है ना। चलो जी शुरू हो ही गए मेरे ख्याल से, खा लेंगे, पानी वगैरह भी ठीक है, तो ये शाम को दोबारा चेक करूंगा पानी वगैरह इनका, तो अभी इन्हें खाने देते हैं और हम चलते हैं नीचे, यहाँ पे जो धूप है तो वो ठीक है अभी क्योंकि बारिश जो हुई ना उसके बाद थोड़ी सी जो है ठंड ठंड सी हो गई है, सर्दी सर्दी सी तो नहीं, मौसम ठंडा हो गया है, तो मैं पहले इसे बंद कर दूँ, तो धूप भी इतनी कोई तेज कोई नहीं है फिलहाल, तो बैठा जा सकता है धूप में। चलो ये खा लेते हैं यहाँ पे, तो हम चलते हैं। अभी जी नवीब भैया आए कैन लेने के लिए, तो अभी कैन लेने चलते हैं, तो की होया जा कोई बदला रही देख आए, चलिए ताले ही चलो गेटा के बस चाहिए। पका वे अभी हो गया जी लंच का टाइम, तो खाना खा लेते हैं। तो खाने में जी बना हुआ है ये क्या बना है, टिंडे है करेले हैं क्या, और क्या बना हुआ अभी जो है मैं देखता हूँ कि खाने में क्या बना हुआ, तो फिर खाना खाते हैं। खाने में तो टिंडे हैं, तो मैं तो छीछा भी बना हुआ है, मैं तो छीछे के साथ ही जो है रोटी खा लूंगा, तो ये बनाया जी मजेदार सा छीछा, तो डाल लेते हैं प्लेट में और इसके साथ खाते हैं खाना। एक रोटी तो मैंने छीछे के साथ खा ली है, थोड़ी सी मैं अगर टिंडे के साथ भी खा के मज़ेदार लग रहे थे, मैंने थोड़े से चेक किए
तो अभी जो है एक रोटी वो टिंडे के साथ खा लेते हैं। अभी मेरे शूज किधर हैं? अच्छा शूज ये पड़े हैं, शूज मेरे टूटे फूटे शूज है, मैं नहीं दिखाऊंगा कैसे हैं। तो अभी मैं शूज पहनूं। सीरी जी हमारा फैजाबाद जाने का प्रोग्राम है, तो मनी ने लेनी है अपनी ये शहजादी, ये चेयर आपको नजर आ रही है ना, तो इसके बदले में इसने नई चेयर लेके आनी है, तो इसलिए फैजाबाद जा रहे हैं, तो इसकी चेयर जो है वो लेके आएंगे। तो कह रहा है कि ऑफिस चेयर लेनी है, तो ये इसका जो ताजमहल जो कहते हैं तख्त है, तो ये अब उठा देगा, तो इस तख्त पे जो है मैं विराजमान हो जाऊंगा और ये तख्त मैं ले लूंगा। वैसे बड़ी मेहनत से बनाया हुआ तख्त है। तो अभी मैं शूज वगैरह पहनूं तो फिर चलते हैं। हल्का फुल्का सा कपड़ा मैंने गाड़ी में मार दिया, तो अभी जो गाड़ी है बाहर निकाल लेते हैं। तो बाय द वे जो गाड़ी का एसी है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक करवा रही है, तो माशाल्लाह काफी ज्यादा चिल एसी है। चले जी अभी निकाल लेते हैं गाड़ी बाहर। तो मेरी बाइक जो है वो बाहर खड़ी है, तो ये अंदर कर देते हैं अभी। चलो भाई चलो भी चल भी चल भी चल भी कौन किधर गया किधर गया? छिपकली का बच्चा छिपकली का बच्चा। डंडा डंडा किधर है? डंडा किधर है? ओहा निशाना। ओए मर गया। तो अभी चलते हैं। चले जी चलते हैं। बाइक की चाबी मेरे पास ही रह गई, तो अभी इसे बाइक पे लगाते हैं। हैंड ब्रेक कर लेते हैं नीचे और बैक गियर लगाते हैं और गाड़ी करते हैं बैक गियर जो निकाल लेते हैं, हैंड ब्रेक उठा लेते हैं और कॉपी रख लेते हैं यहाँ पे। गेट खोला, बाइक की चाबी जो है वो मेरे पास ही है, तो इसे लगा देते हैं अभी बाइक पे। चलो चले भाई। हाँ कल जाना आया था, कोई भी नहीं मुनीत नहीं आया ना उस्मान भाई आए। तो गाड़ी हो गई है गर्म तकरीबन, वार्म अप हो गई है, तो इसी भी इसका ऑन कर लेते हैं अभी। ये देखें जी ऑन हुआ नहीं, ये हो गया ऑन एसी, तो थोड़ी देर में गाड़ी जो है वो ठंडी होगी। मजे मजे मजे। तो अभी उस्मान भाई भी आ गए हैं, उस्मान भाई भी जा रहे हैं, मुनीत भी जा रहा है साथ, तो अभी चलते हैं। बैठ जा यार भैया। चलो भाई कुर्सी गिरी लेनी है, ऑफिस है। चलो जी अभी चलते हैं फैसलाबाद, वहां पे जाके देखते हैं कि कौन सी चेयर है जो लेनी है। चले जी फैसलाबाद पहुंच चुके हैं, तो अभी मामू के घर है, तो थोड़ा सा ना यहाँ पे सामान देना, तो वो दे के फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं चीज लेने के लिए। और वो बाहर मेरे सब्सक्राइबर्स खड़े हैं क्या ख्याल है, ठीक ठाक है? हैं और बस 5 मिनट से इसे खड़ा होना, तो क्या हाल चाल है? ठीक है हम कितने लानी है? और यहाँ पे जी खजलवार हो रहे हैं, तो हमें समझ नहीं आ रही की यहाँ पे कुर्सी वाली दुकान ही कोई नहीं नजर आ रही, तो अभी देखते हैं कहाँ से मिलती है दुकान। अभी हम आ गए हैं जी जिनाह कॉलोनी के गुलबर्ग रोड पे, तो यहाँ पे देखते हैं अगर कोई मिल जाए दुकान, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा शॉप्स वगैरह हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखते हैं अगर मिल जाए तो। अभी मुनीब ने गूगल पे सर्च की है, तो यहाँ का ये पता बताया गुलबर्ग रोड का, तो अभी देखते हैं यहाँ पे मिलती है कि नहीं। तो मैं गाड़ी थोड़ी सी स्लो चला रहा हूँ कि कहीं नजर आ जाए हमें। सारा गुलबर्ग रोड भी खत्म हो गया, अभी तक जो है दुकान नहीं मिली यहाँ पे। ये तो नहीं, ये तो शवारमा है, मदनी शवारमा। अभी जी इन्हें कुछ नहीं समझ आ रही, तो अभी इन्हें मैं लेके जाऊंगा, तो इस दुकान पे वहां से इंशाल्लाह ताला जो कुर्सी ये ढूंढ रहा है वो मिल जाएगी, तो अभी मैं इन्हें लेके जाता हूँ। अभी मैं इनको लेके आया हूँ, और ये सामने जो ये भी कुर्सी वाली दुकान है उधर भी पीछे निकल गई, और वो पीछे एक दुकान है, तो वहां पे लेके चलते हैं। तो मुनीब जो है वो कह रहा है शका हो रहा है, तो अभी इशारा खुल गया। नहीं मैं उधर से उधर मोड़ दे पहले, मैं कह इतने होनी दुकान, तो ये सामने दुकान है, यहाँ से देखते हैं। वो सामने कुर्सियां भी पड़ी हुई हैं, वो सामने आ भाई अभी ठीक है।
मैश देखनी मैश आ देख ला सेम ही है तकरीबन वो भी सेम है आ बड़ी अच्छी है यार फुली अच्छी है ठीक है सब तो कंफर्टेबल चेयर है सब मजेदार जो चेयर चाहिए मेरे को यहाँ से तो नहीं मिली तो दूसरी दुकान से देख आए वहां पे पसंद आ गया वहां से मिल जाएगी चले जी कुर्सियाँ और एक टेबल जो है इसलिए वाला जो कहते हैं टेबल स्टैंड वो ले लिया और अभी बैठ क्या कहते बैठ जाए ठीक है तंग तो होना थोड़ा यार जी घर पहुंच गए हैं तो ये वाली जो चेयर हम लेके आए हैं फैसलाबाद से तो इस तरह की लगती है तो अभी आपको ये अनबॉक्सिंग करके खोल के दिखाएंगे कि किस तरह की लगती है बनाते कैसे सारी सैंपल करनी पड़ेगी इस तरह से यार किधर चल गया कितना लेके आए चाय को एनू यूट्यूब लाइव तक चाकू कहते हैं ये है जी चेयर जो के है तो वो उसके यहाँ पे टायर लगते हैं वो वाला फ्रेम है और ये इसका जो है मशीन है और इसमें टायर वगैरह है और पंप वगैरह तो अभी निकाल के सारी असेंबल कर इसके जो टायर्स हैं वो सारे लग चुके हैं हाँ ठीक है तले रख देख ला एक मिनट ये जी इसके टायर जो है वो लग चुके हैं अब जी इसके ऊपर लगेगा पंप चेयर जो है हमारी पूरी जो है वो असेंबल हो चुकी है तो अभी इसे अंदर लेके चलते हैं रूम में चल मनी दरवाजा खोल आ जाना मैं लेके जानी है ये जी आगे हम अपने कंप्यूटर के आगे इस तरह इधर को घूम के इस तरह इधर को घूम के ये कंप्यूटर है सामने इस तरह जी 360 भी घूम सकते हैं ये भी हो जाता है ये देखें टिल्ट और आगे जाना है ये भी चल जाएगा पीछे जाना ये भी हो जाएगा ये बन गई जी हमारी चेयर और ये जो ताजमहल है ताजमहल मैंने कह दिया तख्त तो हो सकता है मैं ले लूं तो ये है जी गाइस हमारी कुर्सी हमारी ऑफिस चेयर हमारा जी तख्त तो मुझे नहीं लग रहा कि मैं तख्त चेंज करूंगा ये ठीक है तो यही रखेंगे बाय द वे गाड़ी का जो आज एसी है माशाल्लाह 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 तो जब से हमने गाड़ी ली है तब से आज तक कभी मैंने ऐसा एसी अपनी गाड़ी में एंजॉय नहीं किया तो माशाल्लाह माशाल्लाह तो एसी का हमने काम करवाया था खर्चा काफी ज्यादा हो गया था लेकिन अब जो एसी है बहुत ज्यादा माशाल्लाह मजेदार हो चुका है तो माशाल्लाह मैं इतना ज्यादा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बड़ी मुश्किल से इस तक एसी मिला मैं नहीं चाह रहा कि उसे नजर लगे या खराब हो इसलिए माशाल्लाह 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 कह रहा हूँ कि माशाल्लाह काफी अच्छा एसी है तो अभी जो मैं अपने रूम में आ गया तो ब्लॉग वगैरह एडिट करते हैं अभी जो है डिनर का टाइम हो चुका है तो बाजार से जो है मनीप जो है बिरयानी लेके आ गया फ्रेश फ्रेश गर्म गर्म तो अभी जो है बिरयानी खा लेते हैं और इसके अंदर क्या क्या है रायता है सलाद है तो ये तो मैं नहीं खाऊंगा और मैं खाऊंगा फ्रेश फ्रेश बिरयानी तो ये खाते हैं अभी अभी मैं आ गया हूँ अपने रूम में तो जी मैं अभी ये व्लॉग जो है वो एडिट कर रहा हूँ तो तकरीबन अभी 12 बज चुके हैं तो आज का व्लॉग मेरे ख्याल से काफी ज्यादा लंबा हो चुका है तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तब तक के लिए इतना ही अल्लाह हाफिज़।